एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, यू आर वाचिंग श्रीमन व्लॉग्स। एंड सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो, मेरे चैनल पे एक चैलेंज चला हुआ है। और चैलेंज क्या है, 100 एंड ये चैलेंज क्या है, चैलेंज है 100 आउट ऑफ 100 दिल्ली प्लेसेस के हमें विजिट करने हैं। दिल्ली प्लेसेस के विजिट करने हैं। थोड़ा हरियाणवी ट्राई कर लेते हैं। हम जा रहे थे 100 इम्पॉसिबल। ये जो चैलेंज चला हुआ है, इसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और डेफिनेटली यू विल लाइक इट एंड देख लेना अगर आपको देखना है। दिस इज माय सेकंड व्लॉग रिलेटेड टू दिस चैलेंज। एंड इस व्लॉग में हम एक मार्केट में जाने वाले हैं। मैं आपको एक मार्केट एक्सप्लोर कराने वाली हूँ। एंड दिस मार्केट इज द वन ऑफ द फेमस मार्केट इन दिल्ली। एंड आपने इसका नाम भी सुना होगा। एंड दिस मार्केट इज सरोजनी मार्केट। देखा, आप सबको पता है ना, सरोजनी मार्केट दिल्ली में है, बहुत फेमस है। सो आज मैं आपको सरोजनी मार्केट अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। एंड मेन पर्पज यहाँ पर जाने का क्या है कि मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ। एक्चुअली जो हम नए होते हैं, मार्केट घूमते हैं, हमें बहुत सारी चीजों का नहीं पता होता। हम फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में गलतियां कर देते हैं और उससे हम, उसकी वजह से हम अच्छे से शॉपिंग नहीं कर पाते। आप शॉपिंग करने वाले हो एंड थोड़े से स्मार्ट हो जाओगे इन टिप्स के साथ। मेरे की तरह बेवकूफ नहीं बनोगे, एंजॉय करोगे और आपको खुद जाके पता लगेगा कि इस मार्केट की क्या खास बात है, किस टाइप के कपड़े हैं, वैरायटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है। वो जब तक आप खुद नहीं जाओगे तब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे। मैं तो जस्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर कराऊंगी और आप थोड़ा समझ जाओगे, बाकी सारा आप समझ जाओगे वहां जाके। एंड सरोजनी आप जा सकते हो, मेट्रो से पिंक लाइन पर है एंड उसके गेट नंबर 2 से आपको एग्जिट लेना है। आज का टिप नंबर 1, कभी भी सरोजनी मार्केट में वीकेंड पे नहीं जाना है। वीकेंड आई मीन सैटरडे संडे आपको नहीं जाना है, आपको नॉन वीकेंड डे पर जाना है। बिकॉज आपको बहुत भीड़ मिलने वाली है, परेशान हो जाओगे, शॉपिंग भी नहीं कर पाओगे। अगर आप वीकेंड पे जाओगे बहुत सारी भीड़ आएगी वहां पर और वो सोच रहे इतनी सारी भीड़ आ रखी है, कोई ना कोई ले लेगा।
गाइज इस मार्केट में सब तरह की वैरायटी के कपड़े होते हैं, सब टाइप के कपड़े होते हैं। आपको पार्टी वियर कपड़े चाहिए, आपको कैजुअल टाइप कपड़े चाहिए, किसी भी टाइप के आप क्लॉथ्स यहाँ से ले सकते हो। ओनली क्लॉथ्स नहीं, आपको फुटवियर चाहिए या फिर आपको ज्वेलरी चाहिए या फिर कुछ भी, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। टावल हो गए, फुटमैट हो गए, घर में काफी सारी डेकोरेशन की चीजें होगी, क्रॉकरी का सामान हो गया, आप कुछ भी इस मार्केट से ले सकते हो। करता है कि आपकी चॉइस कैसी है, आपका टेस्ट कैसा है, और आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी एंड डेफिनेटली आपको अच्छी वैरायटी की, अच्छी क्वालिटी की चीज मिल जाएगी। अब है मेरी ये टिप नंबर टू, जब भी आप सरोजनी मार्केट जाते हो अपने साथ एक बैग या झोला वगैरह लेके आना, क्योंकि इतना सारा जो आप सामान परचेज करोगे वो थैली में डाल के उनको देते हैं, आपको वो चीजें बैग में कैरी करने के लिए एक बैग चाहिए होगा। वहां पर भी बैग सेल करते रहते हैं भैया 60-70 रुपीज में, वैसे तो वो बोलेंगे के 200 के 2 इस तरह, लेकिन वो 60-70 रुपीज का एक बैग आपको दे देते हैं। पेयर में भी आप ले सकते हो, लाइक वो इस तरह का ऑफर आपको दे देते हैं कि 150 के 2 इस तरह। सो आप वहां से भी बैग परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी बैग है तो परचेज करने की क्या जरूरत है, आप बैग लेके जाओ। में मार्केट को एक्सप्लोर करना है। एक्चुअली मार्केट बहुत बड़ी है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप जहां से स्टार्ट करोगे मैक्सिमम टाइम आप लगा दोगे और आप पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। सो कोशिश करना कि आप गेट नंबर 3 से एंट्री करें और वहां से अपनी शॉपिंग स्टार्ट करें। अच्छी क्वालिटी की चीजें भी वहां होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी वहां होते हैं, ऐसा नहीं है सभी कुछ बेकार है। सो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको अच्छी चीजें मिल जाएंगी। We'll be right back.
मार्केट में बाहर भी स्टॉल टाइप में लगता है, बाहर हैंगर्स में कपड़े लगे होते हैं और शॉप्स भी है। अगर आप शॉप से कुछ परचेज करते हो वहाँ थोड़ी बार्गेनिंग में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उनके फिक्स प्राइस होते हैं, वो बार्गेनिंग नहीं करने देते, वो मानते नहीं है, लेकिन बाहर वाले जो है वहाँ बार्गेनिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 550 का कुछ आपको बोल रहे हैं तो वो 150-200 तक भी आपको दे देते हैं अगर आप बार्गेनिंग में एक्सपर्ट हो। अदरवाइज 50 और 100 तो जेन्युइन है, वो सबके लिए कम कर देते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो आपको 70-80% की बार्गेनिंग करके आपको वो सामान मिल सकता है। सब तरह की जैकेट्स वहाँ होती है, लाइक वार्सिटीज आप ले सकते हो, डेनिम जैकेट्स आप ले सकते हो, पफर जैकेट्स आप ले सकते हो, लाइक जज़ारा जैसी ब्रांड्स के ड्यूप्स आपको मिल जाएंगे एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, एक्चुअली वहाँ एथनिक क्लॉथ्स जो हैं वो थोड़े से आपको कम पसंद आ सकते हैं। एक्चुअली मुझे तो पसंद नहीं आए थे, आपका नहीं पता एंड वाई, बिकॉज इतनी वेराइटी नहीं है। इट इज़ अप टू यू कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पता आपको पसंद आ जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ मिलता सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ देयर। सो गाइज, आपने देखा होगा कंप्लीट मार्केट आपने एक्सप्लोर कर ली है और मुझे तो बहुत मजा आया। एक्चुअली बस मैं वीडियो बना पाई, मैं कुछ परचेज नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम जाऊंगी, कुछ देख के आऊंगी, खरीद के अपने लिए आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड प्लीज डू कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। बाय टू ऑल, टेक केयर। वन मोर थिंग, जाते जाते राजे की फनी बातों से मुस्कुराते जरूर जाइए क्योंकि ये मानता नहीं है, इसने वहां भी बहुत फनी बातें की हैं। एक छोटा सा पार्ट मैं लास्ट में शेयर करके जा रही हूँ, आप लोग देखिए और इंजॉय करिए। बाय टू ऑल, टेक केयर। वाली बस में पीछा करता हूँ, मेरे आगे जा रहे भाइयों बहनों, दो मिनट का समय जान दे। किसी बहन के भाई के जाड़ में दर्द हो, जाड़ चीजती हो, पानी लगता हो, कीड़ा लग रहा हो, दांत कीड़े हो रहे हो, खून आता हो, सूजन खून आता हो, मुंह में से बाल पड़ती हो, ये मंजन सब इस्तेमाल करे। मंजन का रेट है 30 रुपए। वो देख लो, एक डिब्बी 30 रुपए। कंपनी का प्रचार आपका फायदा, 30 रुपए। 30 रुपए मेट्रो आ गई।